जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संग जी। जय गुरु जी संगत जी, प्लीज़ सभी लोग आके जल्दी से जुड़ जाइए। आई हुई संगत का बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे ये मौका दिया दोबारा कि मैं सत्संग शेयर कर सकूं। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग ही है कि हर मतलब महीने आंटी ने मुझे ये सेवा दी हुई है कि मैं 23 तारीख को आ सकूँ सत्संग शेयर करने। बट इस बार अनफॉर्चुनेटली मैं 23 तारीख को नहीं आ पाई, वो भी गुरु जी की मर्ज़ी होगी। कहते हैं ना, उनकी तो उनकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, तो हमारी तो क्या औकात है कि मैं आप सत्संग शेयर कर सकूं। मैं तो हुई नहीं ना कुछ भी, जो है गुरुजी है, गुरुजी ही करवाते हैं, गुरुजी ने ही करवाना था। इसलिए शायद 23 तारीख को कुछ ऐसा, मतलब मुझे काफ़ी दिन पहले से मतलब पता होता है कि मैंने सत्संग शेयर करना है। संगत जी, मैं एक बात से शुरू करना चाहूँगी कि मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ बार बार कि हम जब भी सत्संग शेयर करते हैं या जब भी हम इस प्लेटफॉर्म पे आके जुड़ते हैं, वो भी एक महाराज की मर्ज़ी होती है। हम अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कर पाते। जो मैं आज बोलूँगी, मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मेरी वाणी में आके विराजमान होइए, ताकि जिस जिस को भी जो जो भी मतलब जिनके मन में कुछ सवाल है किसी चीज़ को लेके, तो वो उनको उनके रिप्लाई मिल सके। गुरुजी प्लीज़, किसी को हमेशा गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया बनाते ही हैं, तो आज शायद ये ज़रिया मैं हूँ। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमने अक्सर ये सुना ही है, आप लोगों ने सुना है, मैंने सुना है, और जो नई संगत है मैं उनको ही बताती हूँ कि हम हमेशा सुनते हैं कि गुरुजी से हम गुरुजी से कब जुड़े हैं, ये हमें अब लगता है कि हाँ हम इस तारीख को जुड़े हैं, हम इस सन में जुड़े हैं, हम गुरुजी से इस महीने में इस तारीख में जुड़े हैं। बट होता क्या है कि हम लोग सब जानते हैं कि गुरुजी ने हमें कब जोड़ा है, वो गुरुजी को जानते हैं। वो तो हमें पता ही नहीं है कि हम अपनी तरफ से कैलकुलेशन करते हैं, पर हो सकता है कि हम गुरुजी से जन्मों से जुड़े हुए हैं। और जब हमें सोझी मिलती है तब हमें पता लगता है कि हाँ आज हम गुरुजी से जुड़े हैं। तो मेरा भी इतना सा कहना है इस बात को लेकर कि ये बातें सुनती थी मैं हमेशा कि हाँ गुरुजी ने हमें पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है, हमें अब पता लगा है। हर वाक्य में ये बात गुरुजी ने मुझे प्रूफ करके भी बताई है, मतलब कहते ना कि एक एग्जांपल देके या एक तरह से प्रैक्टिकल भी कहते हैं, हमारे गुरु तो है ही प्रैक्टिकल, तो गुरुजी ने मुझे तो प्रैक्टिकल करके ही बताया है कैसे ये चीज़ पॉसिबल हुई, किस तरह से हमें पिच पहले से जुड़ी हुई हूँ, किस तरह से मेरा जन्म होना भी पहले से ही तय हो चुका था, गुरुजी का जुड़ना सब कुछ इसको विद प्रूफ बताया गुरुजी ने। वो बात मुझे अब समझ में आई। कहते हैं गुरुजी महाराज ही आपको समझाते हैं कि आप किस तरह से जुड़े हैं, किस तरह से आपका लिंक बना। तो मैं बताती हूँ आपको, मैंने ना हमेशा, आपको तो सबको पता ही है गुरुजी का जन्मदिन होता है 7 जुलाई को, 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन है, तो 7 नंबर इज़ वेरी लकी। मुझे तो मतलब हमेशा ये लगता है कि 7 नंबर इज़ वेरी लकी। वैसे भी हम सुनते थे 7 नंबर लकी है, बट अब तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है 7 नंबर। तो एक बार ऐसे ही हुआ, मैं ना बैठी हुई थी, तो एक ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होते जो नंबर्स के थ्रू बताते हैं कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को काउंट करके कैलकुलेट कीजिए, तो जो आपका नंबर टोटल बन के आएगा उसका जो सिंगल नंबर डिजिट आएगा वो आपका लकी नंबर होता है। मैं ऐसे ही फेसबुक पे बैठे सुन रही थी एक मैडम को, वो बता रहे थे कि अपने डेट ऑफ बर्थ को आप प्लस करके देखिए और ये देखिए कि आपका लकी नंबर क्या है। तो जब मैंने उसको प्लस करके देखा अपने डेट ऑफ बर्थ को, तो मैं खुद ही मतलब मैं इतनी खुद ही शॉक्ड हो गई थी उस टाइम पे, जब मैंने उसको दिमाग से सोचा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के बाद जब लास्ट में जो नंबर आया वो 7 नंबर था। तो मुझे कहीं ना कहीं वहाँ पे ये रिलेट हुआ कि मैं कह जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 7 नंबर, 7 जुलाई गुरु जी का मतलब नंबर है। तो मैं सोचती थी हमेशा, मैं गुरु जी हमारे घर में कोई 7 तारीख को पैदा हो जाता तो कितना अच्छा होता, मतलब आपका नंबर है, ये है, वो है, मतलब ये चीज़ें मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चलती थी। जब मैंने ये सोचा कि हाँ यार मेरा तो लकी नंबर ही 7 बन रहा है, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई। मुझे उस टाइम ये बात समझ में आई कि जब मैं पैदा हुई होंगी, ये सब कुछ कैसे गुरु जी ने सब कुछ पहले ही प्लान किया होता है,
कि कैसे आपका नंबर 7 बना और किस तरह से उनको पता था पहले कि मेरी ये डिमांड भी हो सकती है आने वाले टाइम में कि मैं 7 नंबर चाहती हूँ, कि मैं 7 नंबर पे जाए मेरे बच्चा हो जाता या 7 नंबर का कुछ लिंक ऐसा मेरे साथ जरूर होता। मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी। और इस बार जब ये भी हुआ कि वैसे मैंने कभी अपनी मतलब शादी की मतलब जो हमारी एनिवर्सरी की डेट होती है उसको भी मैंने कभी इतना ज़्यादा सोचा ही नहीं था। तो जब मुझे बाद में पता लगा कि गुरुजी को विसाखी का त्यौहार पसंद है मतलब बहुत ज़्यादा, तो ये भी चीज़ गुरुजी ने मेरे को एहसास दिलाई कि तेरा पैदा होने से लेके तेरी शादी तक तेरी सारी चीज़ों में मैं तेरे साथ था, हर वक्त मैं तेरे साथ था। क्योंकि मेरा विसाखी वाले दिन ही मेरी मतलब रिंग सेरेमनी हुई थी और 14 को मेरा शादी हुई थी, तो ये सब चीज़ें कैसे रिलेट कर गई आपस में मुझे पता ही नहीं लगा। और जब मैं बाद में इन सब चीज़ों को सोचा मैं कह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी तो लाइफ का ये सबसे बड़ा सत्संग है देखा जाए, क्योंकि हर चीज़ में गुरुजी का मतलब प्रेजेंस मुझे गुरुजी ने एज अ प्रूफ दिखा दी कि देखो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें हमारे साथ रिलेट कर रही हैं। ठीक है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम इतने ना समझ होते हैं ना लाइफ को लेके कि हमें पता ही नहीं होता, हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा हो जाए तो ही अच्छा होगा और ऐसा होगा तो भी, मतलब भगवान ने शुरू से ही हमें ब्लेस किया होता है, हर तरीके से ब्लेस किया होता है, बट हमें समझ बाद में आती है संगत जी। और मुझे भी इसी तरह से काफ़ी बाद में समझ में आया ये चीज़ें कि हाँ मैं कहाँ कहाँ शुरू से ब्लेस किया गया था, किस तरह से। हमेशा कहते हैं ना कि कर्मों की वजह से ही आप लोग जहाँ भी आज स्टैंड करते हो, आप अपने कर्मों की वजह से स्टैंड करते हो। तो मैं संगत जी मैं हमेशा मतलब ये बार बार कहूँगी कि बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी का। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म थे जिसकी वजह से आप मतलब मैं आपसे जुड़ पाई, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे कनेक्ट हो पाई। तो ये सबको चाहिए, सबको, जिन आपने आप समझ नहीं रहे इस बात को शायद आज के टाइम में, आपको लग रहा है कि हाँ गुरुजी हैं ठीक है, बट नहीं, ये वो सुप्रीम पावर है, ये वो डिवाइन पावर है जो मतलब आप खुद सोचो कि भगवान शिव शंकर महाशिव आपके घर पे आ जाए, आपके साथ आपको अपना मतलब अपने साथ जोड़ के रखे, आपको हर पल ये एहसास दिलाए कि वो आपके साथ है, आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ मतलब वो आपको देख रहे हैं। आप ये इसको चीज़ को बहुत लाइटली मत लो। पता नहीं कौन से ऐसे कर्म हुए अच्छे जिसकी वजह से मैं कहती हूँ वो कर्म बार बार हम दोहराएं, जो जितनी भी संगत गुरुजी से जुड़ी हुई है ना, मैं बस यही मतलब कहूँगी सबसे कि वो संगत हमेशा अपनी लाइफ में ये मांगे गुरुजी से कि जिस कर्मों की वजह से आपका साथ मिला वो कर्म हम लाइफ भर रिपीट करते रहे, कि पता नहीं कौन से ऐसे अच्छे कर्म थे जिसकी वजह से आपका साथ मिला गुरुजी, वरना हमारी तो बिल्कुल दो कौड़ी की औकात नहीं है, हम कुछ नहीं समझ सकते, ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ समझ सकते हैं। और इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल दरबार गुरुजी का, इतना सुंदर परिवार गुरुजी का मिला है हमें। कहते ना कि आज के टाइम पे शायद अपने जो लोग होते हैं ना, अपने रिश्तेदार होते हैं, वो चाहे काम ना आए पर गुरुजी के परिवार में कुछ ऐसे सदस्य हमसे जुड़ जाते हैं कि जब भी हम परेशान हो या कुछ भी हो वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो आपको साथ देंगे, वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि कहते ना कि गुरुजी ने वही मोती पिरोए हैं जो सच में प्योर हैं, तो उन मोतियों के साथ ही माला बनाई है गुरुजी ने, तो उन मोतियों के सहेज के रखना भी हमारा ही काम है। तो इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी जो इन दिनों मैंने बहुत ज़्यादा मतलब फील भी की है और सीखी भी है बहुत ज़्यादा। मुझे गुरुजी ने यही सिखाया कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मतलब कोई भी ऊपर नीचे, देखो उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में है, जितने भी प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करती हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, हम लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट प्रॉब्लम के साथ साथ ज़रूरी ये होता है कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरह से फेस करते हैं या किस तरह से उस प्रॉब्लम से हम लड़ते हैं। मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि हम बस डावाडोल ना हो। गुरुजी कभी भी अपने भक्त को, अपने भी अपने मतलब किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देखना चाहते। हम इंसान होकर सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को दुख नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को मार नहीं सकते, हम अपने बच्चों को टेंशन में नहीं देख सकते, तो हम भगवान से बड़े थोड़ी हो गए।
कि भगवान को हम कह सकते हैं कि ये बात कि आप हमें दुखी देख सकते हो, आप हमें दुख दे रहे हो। भगवान हमें दुख नहीं देते, एग्जैक्टली हमारे कर्म ही हमें दुखी देते हैं। तो गुरु जी ने मुझे तो ये बात इन दिनों ज़्यादा सिखाई है कि जो मैंने सीखा है कि कुड़िए जो तू मंगना है ना, तेन पता ही नहीं लग रहा कि तू की मंगना है। मतलब मुझे तो ये पता लग रहा था कि गुरु जी मुझे ये बार बार समझा रहे थे, वो किसी के रूप में से समझा सकते हैं, चाहे आपकी मम्मी के रूप में हो, चाहे आपकी फ्रेंड के रूप में हो, चाहे आपके कोई भी आप जिसको भी मेंटोर समझते हो उसके रूप में हो। तो मुझे बार बार गुरु जी यही कह रहे थे कि तेरी पॉजिटिविटी कहाँ चली गई, तू इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है। अगर तुझे वाकई में कुछ मांगना है ना, तो सही चीज़ कोई नहीं मांगता। तो सही चीज़ वो है क्या? सही चीज़ मायने में मेरे को जहाँ तक मुझे समझ में आया है, सही चीज़ वो सही चीज़ ये है कि हमें सिर्फ गुरु जी से ये ही मांगना चाहिए कि गुरु जी जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, चाहे वो इस जन्म की हैं, चाहे वो अगले जन्म इस मतलब पिछले जन्म की हैं, या फिर जो भी आज के टाइम पे मैं गलतियाँ कर रही हूँ, मुझे उसके लिए माफ़ किया जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ कर दो। हमें एग्जैक्टली यही मांगना चाहिए और शुक्र करना चाहिए, शुक्राना हमेशा करना चाहिए। शुक्राना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताती हूँ। हम लोग सोचते हैं कि कई बार मेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरा कोई भी बीमार है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ भी है, हम लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं किस बात का शुक्र करूँ, आज के टाइम पे तो मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या कहूँ। बट सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आज आप गुरु जी के साथ कनेक्टेड हो, आज आप गुरु जी को मतलब गुरु जी को प्रे कर सकते हो, मन से अपने प्रे कर रहे हो, बोल पा रहे हो, चल पा रहे हो, खाना खा पा रहे हो, सब चीज़ें कर पा रहे हो, तो इससे बड़ा शुक्राना किस बात का है। आप ये भी तो सोचो ना कितने ही दुनिया में लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते किसी प्रॉब्लम की वजह से, हॉस्पिटल्स में कितने लोग पड़े हुए हैं जो मतलब परेशान हैं, तो उनसे तो उस कंडीशन से तो बहुत ही बेटर है ना। तो जिस कंडीशन में भी आप हो, चाहे आप हॉस्पिटल में भी हो, आपको गुरु जी वहाँ पर भी शुक्राना करना चाहिए, गुरु जी एटलीस्ट मैं ज़िंदा तो हूँ, कोई प्रॉब्लम आई है, कोई संकट आया, आप देखो। तो हमेशा हमें ना लाइफ में अगर कुछ मांगना है ना, तो हमें यही मांगना चाहिए कि एक तो मेरी गलतियों को क्षमा कर दीजिए गुरु जी, और दूसरा ये मांगना चाहिए कि शुक्र आपने जितना भी मतलब शुक्राना करना है ना, जितना आप शुक्राना करोगे लाइफ में उतना ही आप प्रोग्रेस करोगे लाइफ में। यही मैंने गुरु जी से सीखा है, जितना ज़्यादा आप शुक्र करते हो ना। कई बार ऐसा होता है कि मैं सही बताती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ इवन कि इन दिनों तो मैं समझाती हूँ अपने आप को बहुत, पर मैं कहीं ना एक क्वेश्चन मार्क शायद अपने मन में लेके घूम रही थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा मेरे मन में ये चल रहा था, गुरुजी सब कुछ एक्सेप्टेबल है जो आपने किया, सब कुछ एक्सेप्टेबल है, पर कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चल रहा था कहीं ना कहीं दुविधा में कि पता नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये गुड कैसे है, मतलब ये अच्छा कैसे है, उसका मुझे जल्दी जवाब देना। बाकी मुझे एक्सेप्ट है मैं ये नहीं कह रही, बट फिर भी एक मन में सवाल होता है ना कि अगर जो ये चीज़ सिचुएशन आप खड़ी हुई है आज के टाइम पे, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो क्यों नहीं अच्छी लग रही, मैं करना चाह रही हूँ उसको एक्सेप्ट, पर कहीं ना कहीं मैं झूठ अपने आप से थोड़ी झूठ बोलोगे आप जितना मर्जी स्ट्रांग बन लो भगवान नहीं बन सकते हो, अपने आप को समझाते हो बहुत चीज़ों को लेके, पर कहीं ना कहीं एक मलाल सा मन में था कि गुरु जी अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और मुझे इस सिचुएशन से को एक्सेप्ट करना प्रॉपरली नहीं आ रहा, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ क्योंकि आपकी आपने करवाया, बट ये थोड़ा मन में मलाल चल रहा है। तो गुरुजी ने मुझे उस बात का भी जवाब दिया कि कितना ब्यूटीफुली, मैं बताती हूँ, मैं बता सकती आपको कि कितना ब्यूटीफुली जवाब दिया कि अगर मैं ये ना करता, अगर मतलब जैसे मुझे जो समझ में आया, अगर मैं ये ना करता तो जिस बंदे जिस इंसान के लिए तू मांग रही है ना उसकी कैपेसिटी उतनी है। मतलब कि कहते ना कि एक गिलास है जिसका जिसमें पानी भरना है, उसका पानी भरने का जो लेवल है, सॉरी मैं वो क्लियरली बात नहीं बता सकती, कुछ चीज़ों को लेके गुरुजी का हुक्म होता है ना, तो इसलिए थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ कि एक गिलास में की जितनी कैपेसिटी है पानी भरने की, उतना ही पानी भरोगे ना, उससे ओवर पानी भर दोगे अच्छा करने के चक्कर में, वो अच्छा तो क्या होगा, वो बुरा ही हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे साथ होती हैं, तो मैं बता नहीं सकती कि किस तरह से गुरुजी ने आपको कदम कदम पे थामा हुआ है, कदम कदम पे आपको गुरुजी ब्लेस करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, हर बात के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि कई हम तो है ही ऐसे प्राणी जो गिरते पड़ते ही चलते हैं, बट जब गुरुजी हमारा हाथ थाम लेते हैं ना, तो हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है,
मैं सच में कह रही हूँ संगत जी, आप दिल से गुरु जी को याद कीजिए 24 घंटे। बस अगर आपको किसी से कोई बात भी करनी है ना, तो आप गुरु जी से कीजिए। आपको लग रहा होगा कि इस बात का जवाब नहीं मिल रहा, ये जो मैं अभी मांग रही हूँ वो नहीं हो रहा, पर बिलीव मी, जो आप मांगते हो अभी, जो आप मांग रहे हो ना, वो शायद आपके लिए अच्छा है नहीं इस टाइम पे मिलना। गुरु जी हमेशा बार बार मुझे भी यही बार बार समझाते हैं कि कई बातों को लेके, जो मैंने सीखा है कि गुरु जी कह रहे हैं कि अभी वो परमानेंट वाली सिचुएशन नहीं आई। अगर मैं तुझे को अभी दे दूंगा तो वो टेम्परेरी होगा, थोड़े टाइम बाद तो फिर दुखी होगी उस चीज़ को लेके कि आज दे दिया था, परमानेंट क्यों नहीं हुआ, ये फिर क्यों सिचुएशन ख़राब आ गई है, फिर सिचुएशन क्यों, चीज़ों में हम डोल जाते हैं, मतलब हम फिर भी गुस्सा गुरु जी को ही करने लगते हैं। हालांकि देखा जाए ना, हम ये हमें ये सोचना चाहिए कि अगर गुरु जी हमारे यहाँ खाता खोल के बैठ जाए ना हमारा कर्मों का, तो हम शर्मिंदा होकर बैठ जाए कि गुरु जी अब मैं क्या मांगूँ, अब मैं आपसे क्या कहूँ। तो प्लीज़ संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि गुरु जी जिन बातों को लेके मुझसे आज ये बुलवा रहे हैं, पता नहीं किसके लिए जवाब है, मेरे को तो मिल चुके हैं जवाब, बट जिसके लिए जवाब है प्लीज़ आप उस बात को फॉलो ज़रूर करना कि जो आज सिचुएशन में अगर आपको आप जो चाह रहे हो वो मिल जाता है तो वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट करने के लिए उसको थोड़े से कर्म कटवाने ज़रूरी होते हैं। गुरु जी हमेशा अपने वे से चलते हैं, तो उनको उनके तरीके से ही ब्लेस करने दीजिए, तो चीज़ें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होकर आपको मिलेंगी। गुरु जी ने कभी किसी का बुरा नहीं कहा किया, इवन कि जो गुरु जी को नहीं भी मानते गुरु जी तो उनको भी ब्लेस कर जाते हैं। तो हम तो जो बिलीवर हैं गुरु जी के, तो उनको कितना प्यार करते होंगे। मैं पुरानी संगत से हमेशा सुनती रहती हूँ सत्संग में कि गुरु जी हमें इतना प्यार करते थे, हमारी इतनी केयर करते थे, इतनी केयर करते थे, पूछो मत। मतलब जो गुरु जी के पास वहाँ पर जाते थे गुरु जी के मंदिर में मिलने के लिए, उनको भी गुरु जी जब वापस जाना होता था घर जाने के लिए, उनकी भी पूरी टेंशन लेते थे कि वो कैसे वापस जाएंगे, उनके जाने तक का अरेंजमेंट, घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, उस चीज़ का सारा अरेंजमेंट वो गुरु जी को सब पता होता था कैसे करना। तो आप ये सोचो कि इतने बड़े भगवान हो के हम क्या है हमारा, हम तो मतलब मैं तो ये कहूँगी हम कीड़े मकौड़े हैं। हम कीड़े मकौड़ों का भी गुरु जी इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि इसको कहीं आँच ना आ जाए। तो ये जो हमारे पहुँचने तक की टेंशन लेते हैं, वो क्या हमारी टेंशन ही लेते होंगे। अब इस बात पे मैं आपको बताती हूँ, हम लोग घूमने गए नैनीताल, शायद हाँ नैनीताल की बात है, शायद मुझे एग्जैक्टली पहाड़ी इलाका है इतना मुझे याद है, नैनीताल था या क्या था वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, सॉरी, बट इतना मुझे याद है कि हम लोग घूमने गए। तो हम हमारी कार थी वो, हम ना पहाड़ी से नीचे की तरफ चले गए थे काफ़ी, तो नीचे की तरफ जब गए तो वहाँ पे नीचे एक ना लेक थी, तो लेक में जाने को मतलब हमने देखा कि काफ़ी बड़ी लेक है, तो हम नीचे जाके ना उसमें इंजॉय करेंगे, तो हम चले जाते हैं। तो हम मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके नीचे उतर गए, वो कच्चा रास्ता था बहुत जहाँ से हम नीचे उतरे, तो वो कच्चे रास्ते में जब हम नीचे उतर गए तो जब हम आगे जाके देखा तो वो रास्ता आगे से पाई टूटी हुई थी, तो हमने दूसरी तरफ से रास्ता लेके उसको क्रॉस किया। थोड़ा देर हमने इंजॉय किया, तो हम वैसे वापस आने लगे, तो जैसे हम वापस आने लगे ना तो वहाँ पे क्राउड भी कम ही था उस एरिया में, तो जैसे हम वापस आने लगे तो हमने देखा कि गाड़ी मेरे हस्बैंड ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि पहाड़ी से ऊपर चढ़ा दूँ, क्योंकि वन वे रास्ता था, फटाफट एकदम से लेके जानी थी ऊपर की तरफ खींच के गाड़ी को कि बस मैं रेस दूंगा फटाफट भगा लूँगा। वो बाई चांस वो जब भी कितनी बार भी कोशिश करे वो गाड़ी पलट के वापस नीचे, पता नहीं क्या हो रहा था, बार बार भी ये प्रोसेस हो रहा था और मैं भी टेंशन ले गई, मैं कह अगर गाड़ी अगर ना चढ़ी तो क्या होगा भाई, हम तो यहाँ स्टक होके रह जाएंगे, हम किसको कहेंगे। और देखो आप बाहर हो अपने शहर से, आप किसी को जानते नहीं हो, कोई जल्दी से आपकी हेल्प ही नहीं करता क्योंकि कच्चा रास्ता होता है और किसी की गाड़ी है तो कोई जल्दी से रिस्क भी नहीं लेना चाहता। ऐसे में पता नहीं क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड कहते हैं आप लोग उतरो, आप लोग ऊपर जाओ, मैं लेके आता हूँ किसी तरह से, आप ऊपर जाके क्राउड जो भी मतलब गाड़ी आ रही होगी ना हाइट पे, जो गाड़ी होगी जो नीचे की तरफ आ रही होगी, आप उनको मना कर देना कि वो नीचे ना आए, भाई मैं एक बार क्रॉस कर लूँ तेज़ी से, ऐसा ना हो कि मुझे उनकी वजह से बीच में मतलब ब्रेक मारना पड़े और गाड़ी फिर पलट जाए पीछे की तरफ। मैंने वही किया, मैं नीचे उतर गई, मैं आगे चली गई। और देख लो मतलब मैं ये सोच रही थी उस टाइम पे, मैंने गुरु जी आपने मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए, आपने सनी को दर्शन दे दिए। तो मैं गुरु जी को बोल मुझे जब हम ऊपर पहुँच गए तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जैसे तुम लोग गए वैसे एक लंबा सा लड़का आया, कहता कि उसने मतलब पंजाबी में ही बात की इनसे कि क्या हो गया पाजी गाड़ी नहीं चढ़ रही।
उन्होंने कहा हाँ मैं बार बार ट्राई कर रहा हूँ, वो गाड़ी ऊपर की तरफ नहीं जा रही, बार बार बैक ले रही है। तो वो कहता मैं एक बार ट्राई करूँगा, तो अगर मेरे से हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ। वो इंसान गाड़ी पे भी नहीं था इवन की, वो आया भी पैदल ही हुआ था। तो जब उसने गाड़ी पे बैठा और उसने मतलब इनको अपने साथ बिठाया और उसने फटाफट मतलब गाड़ी को ऊपर चढ़ाते ही चला गया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब मैं तो तब भी नहीं देख पाई कि कौन आया था, किसने एकदम से गाड़ी पर चढ़ाया और एकदम से मतलब गाड़ी ऊपर भी आई है। और उसके बाद इन्होंने देखा मतलब उसको थैंक यू किया, उनको थैंक यू किया और जैसे ही वो चला गया, मुझे बाद में इन्होंने बात बताई कि ऐसा कुछ हुआ था कि कोई था जिसने गाड़ी को ऊपर चढ़ाया, तो आगे थी। मतलब मैं तो यही मानती हूँ कि जहाँ पे कोई भी नहीं था, जहाँ पे कुछ कुछ गाड़ियाँ जा रही थी, वहाँ पे एकदम से सडनली कौन आ गया और वो लेक की तरफ क्यों जा रहा था? अकेला लड़का था जिसके हाथ में बैग था, वो लेक की तरफ क्यों जा रहा था? वो और कोई नहीं, मेरे गुरुजी महाराज ही थे। आप बिलीव नहीं करोगे, हर जगह पे जहाँ पे भी आप स्टक होते हो, जहाँ पे भी आप फंस जाते हो या कोई भी सिचुएशन होती है, गुरुजी महाराज आपको इस तरह से इतने प्यारे ढंग से बचा लेते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरे तो लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए। एक बार ऐसे ही था, मेरे हस्बैंड कहते हैं हम लोग ना पहाड़ी इलाके से वापस आ रहे थे, उस टाइम पे भी हाईवे पे थे, तो रास्ते में एक जगह आती है नीलो, हमारे इधर से घर आते वक्त तो नीलो नहर की तरफ ना अंधेरा बहुत होता है, वहाँ पे लाइट्स नहीं होती, स्ट्रीट लाइट्स। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मेरा मानना है कि मैं किसी और रूट से निकलूँ, यहाँ पे लाइट नहीं होती तो कई बार पता नहीं लगता और डर भी रहता है थोड़ा सा लोगों का, कोई मतलब रूट पर ठाड़ पर लोग ना खड़े हो या कुछ ना खड़े हो। तो मैंने गूगल पे ट्राई किया पर बार बार वही गूगल ने वही रास्ता बताया, नीलो वाला ही। तो हम नीलो की तरफ से जा रहे थे, आप बिलीव नहीं करोगे सडनली क्या हुआ, हमारे आगे दो तीन गाड़ियाँ आ गई। एक गाड़ी छोटी अल्टो थी जिसमें एक न्यूली वेड कपल बैठा हुआ था, और दूसरी गाड़ी थी जिसमें कि वो जो कुछ लोग होते ना सोशल वर्क करने वाले, वो थे। ये बातें मुझे सब बाद में पता लगी, वो कैसे पता लगी मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड पहले डर रहे थे ना, तो गुरुजी महाराज ने देखो कैसे हमें रखा कि हम लोग जब वहाँ से नीलों से क्रॉस कर रहे थे तो रस्ते में एक गाय मरी पड़ी थी, स्ट्रीट लाइट ना होने की वजह से वो गाय का पता ही नहीं लगा जब तक आप उसके बिल्कुल पास नहीं पहुंच गए, गाय का पता नहीं लगा। तो जो हमारे आगे एकदम से क्रॉस करके अल्टो ना आगे चली गई, तो हमें लगा कि चलो कोई बात नहीं, ये आगे मैंने इनको बोला मैं क्या उसको आगे जाने दो, थोड़ा पता लगता रहेगा कि हाँ रास्ता कैसे कैसे है, इसको ही फॉलो कर लेंगे। उसके चक्कर में देखो महाराज ने कितनी प्यारी तरह से उस टाइम भी हमें बचाया कि वो गायें जब आगे उसके अल्टो के आई तो वो अल्टो हमारे सामने इतनी बुरी तरह से पलट गई, और हमने अपनी गाड़ी रोकी उस टाइम पे, और पीछे से जो सोशल वर्क वाली गाड़ी आ रही थी वो भी एकदम से रुक गई। खैर गुरुजी महाराज ने उनको भी मतलब कपल को बचा के रखा, ऐसी बात नहीं, बट हमें भी मतलब हमारे तो अपने देख के ही रोंगटे खड़े हो गए थे कि कितनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो रहा था और बस उनकी सिर्फ गाड़ी को ही चोट लगी। वो न्यूली मैरिड कपल बड़े आराम से मतलब उनको बाहर निकाला गया और उनको ले गए, तो महाराज ने किस तरह से उनकी भी जान बचाई और हमारी भी जान बचाई। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हर हर पल मेरी जान बचाई है, हर पल हमारी रक्षा की है। थैंक यू सो मच, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हर बार एक बात शेयर करती हूँ संगत जी, और आज फिर एक बात शेयर करने वाली हूँ कि अब बहुत सारी संगत जुड़ रही है जैसे गुरुजी के साथ, तो बहुत सारे सत्संग भी हो रहे हैं। तो जितने भी सत्संग होते हैं ना, मैं एक बात रिक्वेस्ट करूंगी, जो बड़े लेवल पे होते हैं जहाँ पे मेरी खैर मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उनको समझा पाऊँ या किसी को भी कुछ समझा पाऊँ, जितना मैंने समझा है मैं इस वजह से थोड़ा सा अपना शेयर कर रही हूँ व्यू। बाकी मानना ना मानना आपकी अपनी मर्जी है, मेरा कोई वो उसमें नहीं है रोल, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो गुरुजी महाराज कहना चाहते हैं वही कहना चाह रही हूँ, आपको आगे शेयर करना चाह रही हूँ कि जितने भी सत्संग होते हैं, जितने भी लाइव परफॉर्मेंस होती हैं, जो भी सिंगर आते हैं, मैं ये नहीं कहती कि लाइव सिंगिंग ना होनी चाहिए, तो गुरुजी के टाइम पे भी लाइव से सिंगिंग होती थी, लोग जो गायक होते थे गुरुजी उनको ब्लेस करते थे, गाए जाते थे। बट मेरा ये कहना है कि जितनी भी लाइव सिंगिंग करना चाहते हो ना आप लोग, जितने भी लोग बुलाना चाहते हो, आप उनको गुरबाणी चलने के बाद, गुरबाणी का सत्संग करने के बाद ही उनकी लाइव सिंगिंग वो आप मतलब करवाइए। जितने भी वो भजन गाना गाते हैं या कुछ भी करते हैं, वो एक या डेढ़ घंटे के मतलब जो भी गुरबाणी का जो सत्संग होता है उसी के बाद आप उनको मतलब अलाउ कीजिए।
ये मेरा मन का कहना है, क्योंकि मैंने यही अभी तक समझा है या देखा है, जितने भी पुराने संगत होती थी वो ये कहते थे गुरबानी चलती थी, गुरबानी से हमें बाकी बातों के जवाब मिलते थे। अब कईयों के पास बड़ा ही एक मतलब एक्सक्यूज होता है कि गुरबानी हमें समझ में ही नहीं आती, हमने कभी सुनी नहीं। तो गुरु जी ने अपने होते हुए अपने प्रेजेंस में भी लोगों को ये समझाया था कि तेनू समझन की लोड़ नहीं हैगी, तू सिर्फ सुन ले बस। एक सुनने से ही बार बार, अगर आप एक चीज़ को बार 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 सुनते हो ना, आपको कुछ चीज़ें अपने आप ही समझ आने लगती हैं, आपको कुछ समझाना नहीं पड़ता। जो चीज़ आपको गुरु जी ने करवानी है ना, मतलब आपको समझाना है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आपको ये भी नहीं जरूरत पड़ेगी कि कोई आपको उसका बीच में कोई मतलब कनेक्शन बनेगा कि आपको कोई समझाने आएगा स्पेशली या कुछ है। मुझे सुखमनी साहब के पाठ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, मैं आपको फ्रेंकली बताऊँ, क्योंकि मैं सरदार फैमिली से बिलोंग नहीं करती, इवन कि मुझे भी गुरबानी समझ में नहीं आती थी। पर धीरे 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 जैसे अब सुनती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें समझ में आने लग गई। मुझे पंजाबी नो डाउट आती थी थोड़ी सी, पर बहुत ठेठ पंजाबी नहीं आती थी। तो जैसे जैसे आपका प्यार मतलब मेरा तो ये मानना है कि जिस भी फीलिंग आपकी फीलिंग मैटर करती है, आपका प्यार मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना किस लैंग्वेज को जानते हो, किस लैंग्वेज को आप जानो ना जानो, आपकी फीलिंग तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि आप कनेक्ट हो सको, आप समझ सको। और धीरे 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 गुरु महाराज आपको सब कुछ समझा देते हैं। मैंने सुखमनी साहब का पाठ किया, मुझे वो भी गुरु जी ने करवाया, किस तरह से एक बार मन में मेरे डाला कि हाँ तुम्हें सुखमनी साहब का पाठ पढ़ना है, सुनना नहीं है पढ़ना है, पढ़ के तुझे जो फील होगा, जो तुझे मतलब जो तुझे ब्लेस मैंने करना है वो इसी तरह से करना है। तो मैंने वो चीज़ अपने लिए की, मैंने बार बार उसको पढ़ा, सुखमनी साहब के पाठ को पहले लोगों से समझा कि किस तरह से उसे पढ़ा जाता है। तो ये सब चीज़ें इतनी ब्यूटीफुली मतलब गुरु जी ने करवाई, जिन चीज़ों का मैं शायद कभी पैसे पहले अगर सोचते हो, मैं कभी सोचती भी ना कि मैं सुखमनी साहब का पाठ पढ़ूंगी या मैं कुछ ऐसा करूँगी। मैंने शिवपुराण भी पहले कभी नहीं पढ़ा था, अब मैंने शिवपुराण भी पढ़ा। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कह लो, मैं ये नहीं कहती मैं रिलीजियस नहीं थी, मैं रिलीजियस बहुत थी। मुझे मंदिर में भजन गाने का और बाकी बहुत सारी चीज़ें करने का, वैसे मतलब मंत्र करने का, मतलब मैं पहले वो राम शरणम से जुड़े हुए थे, तो हम लोग मम्मी वगैरह पहले घर पे बहुत ज़्यादा वो पाठ वगैरह कराते थे, अमृतवाणी होती थी, मतलब ये चीज़ें तो हमारे घर में चलती रहती थी ना। बट मैंने इंडिविजुअली अगर सोचा जाए तो एग्जैक्टली कोई बुक पढ़ के या इस तरह से कोई पाठ मतलब नहीं पढ़े थे, या कोई ऐसी रिलीजियस बुक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी थी। तो गुरु जी ने अपने साथ जुड़ने के बाद मुझे ये सब चीज़ें मतलब मुझे अपने साथ जोड़ के गुरु जी ने मुझे ये समझाया कि ये तू किस तरह से इन सब चीज़ों को पढ़ तेरे को ज्ञान मिले और तू ब्लेस हो। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी, मैं तो बस एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली कहूँगी, बार बार कहूँगी कि हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो हमें बार बार हमारे मन को थोड़ा सा डावाडोल कर देते हैं, सिचुएशन को देख के हम लोग घबराने लगते हैं। बट अगर आप गुरु जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो जितनी मर्जी सिचुएशन आए, मैं नहीं कहती मैं घबराती नहीं, मैं घबराती हूँ, पर कहीं ना कहीं मन के एक कोने में ये चल रहा होता है कि नहीं गुरु जी तुम ना, मैंने पता है मेरे कर्म ही बहुत माड़े ने जो मैं यो कुछ फेस करना पै रहा है, या जो मैं अच फेस कर रही हूँ, ये जो मेरे नाल इदा हो रहा है ना वो टेम्परेरी है, मुझे पता है, पर मुझे शक्ति दो इस बात की कि मैं इस टेम्परेरी सिचुएशन को भी फेस कर पाऊँ, झेल पाऊँ। रोती भी हूँ, प्यार भी करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना जिससे आप प्यार करते हो, जिनको आप मानते हो, आप उनके साथ अपना हर हर मतलब फीलिंग्स शेयर कर सकते हो, गुस्से वाले भी प्यार वाले भी, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, बट कहते हैं ना हर चीज़ का एक मर्यादा होती है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से नहीं होना चाहिए, बस प्यार की डेफिनेशन में ही सब कुछ होना चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने, मैं ये कहूँगी कि जिस दिन से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं उस चीज़ को कैसे बताऊँ, किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, वो मुझे शायद उतनी बेटर नहीं पता या नहीं बताना आता। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ, वो जो विश्वास होना चाहिए जगाया है गुरुजी ने, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं सारी संगत से बार बार यही बात कहूँगी कि विश्वास को मत तोड़ना, डोलना नहीं बिल्कुल भी। क्या पता आपको किस रूप में आके गुरुजी ने ब्लेस करना होता है, क्या पता आपको किस की बात का किस तरह से रिप्लाई करना होता है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, फेसबुक पे मैसेज आया, ये मैसेज आया, वो मैसेज आया,
गुरु जी अब मेरे लिए कौन सा जवाब है इसमें से। तो वो चीज़ ऐसा होगा कि इतने करोड़ों मैसेज इसमें भी ना, आपको एक मैसेज ऐसा दिल को छुएगा ना, उसको बताने की जरूरत नहीं होगी कि हाँ ये मैसेज तेरे लिए है। अगर उसके बावजूद भी हो सकता है कि मन उस टाइम इतना ज़्यादा परेशान हो रहा हो कि ना समझ में आ रहा हो, तो हमेशा आप देखना ये बात को सच्चे मन से, जब गुरुजी को याद करोगे ना कोई जरिया, चाहे वो आपकी मम्मी है, चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपके पापा है, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन है, चाहे गुरु संगत में कोई है, वो आप जब उनसे बात करोगे ना, वो एग्जैक्टली उसी टॉपिक पे आपको जवाब दे रहे होंगे। तो इससे ब्यूटीफुली और क्या हो सकता है कि मतलब मैंने ये सुना था, अभी मैं पीछे कपूर अंकल का सत्संग सुन रही थी, तो कपूर अंकल बता रहे थे कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तो एक अंकल को बोलते हैं कि तेरी आंटी कितने है। अंकल ने कहा, उन्होंने मतलब बताया कि मतलब आंटी के बारे में उन्होंने गुरुजी ने अंकल को बोला कि तेरी आंटी घर पे है, इस टाइम बाथरूम में है, ये मैगजीन पढ़ रही है, ये पेज नंबर पढ़ रही है, तो कंफर्म कर। तो उन्होंने अंकल ने अपनी वाइफ को फ़ोन किया और उस टाइम उन्होंने पूछा मतलब अपनी वाइफ से कि तुम कहाँ पे हो, उन्होंने बोला घर पे। कहते घर पे कहाँ पे, तो वो बोले हाँ मैं घर पे ही हूँ, मैं बाथरूम में हूँ और मैं इस तरह से इस टाइम ये मैगजीन पढ़ रही हूँ और मैं यही पेज नंबर पढ़ रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर उस टाइम पे गुरुजी ने उनको ये बात बताई, तो वो इस तरह से इसलिए बताई गई क्योंकि वो ये बात बताना चाहते थे कि मैं तुम्हें 2400 घंटे देख रहा हूँ, एक एक पर्सन को वो 2400 घंटे देख रहा है। आप जब भी कोई काम करो, जब भी कोई ऐसी मतलब जो भी आप एक्टिविटी करते हो ना, आपके मन में ये बात होनी चाहिए हमेशा कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। अगर आपके मन में ये बात होगी ना, तो गलती से भी गलत चीज़ें आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगी, या आप मतलब गलती से भी गलती नहीं कर पाओगे। तो हमेशा एक ऑरे को गुरुजी के, या एक मतलब कहते ना एक फीलिंग जो आपके पास है गुरुजी वाली, जिसको आप अपने मंत्र जाप के थ्रू अंदर ही अंदर मंत्र जाप करके महसूस कर सकते हो, तो ये चीज़ें आप महसूस कीजिए और कोशिश ये कीजिए कि 2400 घंटे जितना भी हो सके शुक्राना कीजिए गुरुजी का कि इस लाइफ में आपने हमें ब्लेस किया है, आने वाली भी जो लाइफ है या हमेशा जब भी हम इस दुनिया में हैं या किसी भी दुनिया में हैं, आप हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा हमें प्यार करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पूरी संगत को गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। ये प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है ना, ये संगत जो हम ये डिस्कस करते हैं सत्संग, ये भी एक ब्लेसिंग है, जिसको गुरुजी कहते थे सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो प्लीज़ इसको जो भी आप सुन रहे हैं भाव से सुनिए, दिल से सुनिए, समझिए, आपको कहीं ना कहीं अपनी बातों का जवाब ज़रूर मिलेगा। आपको गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।